दोस्तों नमस्कार। भविष्य जानने की जो चाहत है, जो ललक है, किसमें नहीं होती। और भविष्य अगर बिना कर्मकांड या बिना बहुत आडंबर किए बिना अगर जाना जा सकता है तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ज्योतिष एक जरिया है जिससे ना सिर्फ भविष्य को जाना जा सकता है बल्कि एक रणनीति के तहत उस ज्ञान का कैसे लाभ उठाया जा सकता है यह भी ज्योतिष तय करता है। ज्योतिषी वर्तमान के आधार पर, भूत के आधार पर भविष्य को गढ़ता है और ज्योतिषी एक विज्ञान की तरह पूरी तरह गणना के आधार पर अपनी बातों को रखता है, एक तार्किक तरीके से, एक कैलकुलेशन के आधार पर, एक भविष्य दृष्टा के रूप में। तो हम लोग ज्योतिषी पर बात करते रहते हैं। पिछले दो एपिसोड में हमने सूर्य पर बात की, चंद्रमा पर बात की और आज एक नए ग्रह पर हम लोग बात करेंगे। तो हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ, रिसर्चर, अन्वेषक, भविष्य की खाक छानने वाले रंजीत जी हैं। रंजीत जी, स्वागत है आपका डॉक्टर अजय स्पीक्स में। तो रंजीत जी, आज आप हमारे देखने वाले को किस ग्रह के बारे में बताने वाले हैं? देखिए अजय जी, जैसा कि आपने कहा कि हम लोगों का दो सीरीज हो चुका है, मूलतः तीन हो गया। पहला तो था, हम लोग समझ रहे थे क्या है ज्योतिष, ज्योतिष के बारे में समझे, और उसके बाद हम लोगों ने सूर्य के बारे में जाना, चंद्रमा के बारे में जाना है। आज हम लोग गुरु यानी कि जुपिटर यानी कि बृहस्पति, इसके विषय में जानेंगे। ये भी समझेंगे कि ये ग्रह महत्वपूर्ण क्यों है, पहली बात। ये भी जानने का कोशिश हम लोग करेंगे कि हम लोग कैसे जाने कि आपके चार्ट में या जो दर्शक सुन रहे हैं उनके चार्ट में बृहस्पति यानी कि जुपिटर की कंडीशन क्या है। और इसके बाद में हम लोग देखिए, आज का जो ग्रह है, ज्योतिष भी कहीं ना कहीं का नहीं, मतलब पूर्णतः जुपिटर का ही पार्ट है, ज्ञान का ही पार्ट है। और चूंकि अभी के समय में नवरात्र भी रहा चल, तो आज का दिन काफ़ी शुभ भी होने वाला है जुपिटर के हिसाब से, तो समझेंगे हम लोग। और लास्ट में हम लोग ये भी समझेंगे कि हम लोग किस तरह से छोटी छोटी उपायों के जरिए हम अपने जुपिटर को अपने चार्ट में कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। जी, तो बहुत महत्वपूर्ण ग्रह का नाम लिया है। और अगर ज्योतिषी में तो मेरे ज्ञान बहुत तंग है, मैं इंटरेस्टेड हूँ, सुनता हूँ, लेकिन अपनी नॉलेज मेरी नहीं है। तो जुपिटर, जैसा कि साइंस से ही मैं चीज़ों को टच करता हूँ, कि सबसे बड़ा ग्रह है, बिल्कुल सबसे भारी भरकम ग्रह है और सूरज से काफ़ी दूर है ना, पृथ्वी के बाद आता है। तो जुपिटर को जानना हमारे दर्शकों के नज़रिया से क्यों ज़रूरी है? आपने बताया कि 80% जो ज्योतिषी है वह जुपिटर ही है, तो इस नज़रिया से ज़रूरी है या इसके और भी कई पक्ष हैं, ये थोड़ा सा बताएं कि क्यों जाने जुपिटर को? देखिए, एक तो पहला चीज़ इसलिए जाने कि ये 9 ग्रहों में एक ग्रह भी है, इम्पोर्टेंट ग्रह है, महत्वपूर्ण ग्रह है, इस लिहाज से भी हमको जानना चाहिए क्या है गुरु जुपिटर क्या है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये है कि हम लोगों ने अभी सूर्य के बारे में जाना था। सूर्य मतलब आत्मा का कारक होता है जी, चंद्रमा को जाना मन का कारक होता है। उसके बाद हम लोग समझेंगे जुपिटर को यानी कि गुरु को, जो कि आपके प्राण वायु का कारक है, अच्छा ऑक्सीजन का कारक है। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपके पास आत्मा भी आ गई, मन भी आ गया। अगर प्राण वायु नहीं होगा तो दोनों का अस्तित्व संभव नहीं है। इसका मतलब क्या है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच की जो कड़ी है, जो उसको जोड़ रहा है, वो आपका जुपिटर है। इस लिहाज से इसको समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है और जानना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह से हमने कहा कि ज्ञान का कारक गुरु है, जुपिटर है, क्यों कारक है ये ज्ञान का? तो देखिए, इसको समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा और ज्योतिष के थोड़े से सेक्शन में हम लोगों को उतरना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा। तो इसको समझना हो तो सर्वप्रथम हमें ये भी समझना पड़ेगा कि इसके कारक क्या क्या हैं, क्योंकि कारक के जरिए ही हम लोग इस डिसीजन पे या इस निर्णय पे पहुंच सकते हैं कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों हो रहा है। तो पहला क्या है कि इसके दो राशियां हैं अजय जी, जी जुपिटर का, जुपिटर की दो राशियां हैं। अभी तक देखिए, इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे क्या है कि जब हम लोगों ने सन को पढ़ा था, चंद्रमा को पढ़ा था, उसकी सिर्फ एक राशि थी, अच्छा
सूर्य की राशि सिंह राशि थी और चंद्रमा की राशि कर्क राशि थी, सिर्फ एक राशि थी। अब हम जिस ग्रह को पढ़ रहे हैं या जिस ग्रह को जानने की कोशिश कर रहे हैं उसकी दो राशियां हैं, एक है सेजिटेरस धनु राशि और दूसरा है मीन राशि। अच्छा, ये दो राशियां हैं। जब हम लोग पहले सत्र में थे तो हमने कहा था कि आपके एस्ट्रोलॉजी में या आपके चार्ट में 12 घर होते हैं, एक से लेकर 12 तक गिनती आती है। तो जो जुपिटर का नौवां राशि है उसको 9 नंबर दिया गया है, धनु को 9 नंबर दिया गया है, राशि उसकी 9 नंबर से आती है। दूसरी जो इसकी राशि है वो है पाइसेस यानी कि मीन राशि, उस पर 12 नंबर आपको लिखा दिखेगा, ठीक है। 12 नंबर का मतलब ये सबसे लास्ट की राशि है, 12 घर हैं, एक से शुरू हो रहा है, तो ये 12 नंबर जो है सबसे लास्ट में आ रहा है, ठीक है। 9 नंबर जो है आपके 9th हाउस में आ रहा है, ठीक है, और उसको 9 नंबर दे दिया गया है। अब समझेंगे कि 9 नंबर या नौवां घर क्या है, वहीं से इसके कारक की भी शुरुआत हो जाएगी। जो नौवां घर है सबसे महत्वपूर्ण है सभी के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, बाकी जो लोग सुन रहे हैं, इसलिए शायद 9 डिजिट भी इम्पोर्टेंट होगा। हाँ, अब 9 डिजिट, अब आप ना इस चीज़ को थोड़ा मैं और डीप में से शुरू करना चाहूँगा। देखिए अंक कितने हैं हमारे पास, अंक 1 से 9, एक से नौ उसमें ही फिर बनते जाते हैं, उसमें सारे बनते हैं। इसमें जीरो भी जोड़ा जा सकता है, 0 से 9? 0 से 9 नहीं है, 0 तो 1 से 9 है, ठीक, अंक 1 से 9 है। अब आपका क्या है कि 1 से 9 है अंक, और अगर आप इसको और डीप में समझेंगे तो जो अंक गणित की जो शुरुआत है वो भारत से ही है, वैदिक काल से है जी, दशमलव भी भारत की ही इजाद है। हाँ, तो अब कैसे समझेंगे, क्योंकि हमारे ऋग्वेद में, हमारे ऋग्वेद में ज्योतिष की चर्चा आती है, तो आप समझ सकते हैं आज जो हमारा ऋग्वेद है कितना हजार, 90,000 साल, कहना मुश्किल है, समय निर्धारण करना काफ़ी डिफिकल्ट है। तो जो अंक गणित वहाँ पे नवग्रह की चर्चा हुई है यानी 1 to 9, उसके बाद ही अंक गणित आया, मैथमेटिक्स आता है, उसके बाद सब कुछ आ रहा। उसी तरह उसी क्रम में जब हम इस बात को कर रहे हैं कि जुपिटर के बारे में, तो मैंने कहा कि उसकी जो पहली राशि है धनु राशि है जो नौवां घर का है, 9th नंबर राशि, किस चीज़ का घर है वो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, आपके भाग्य का घर है। सभी लोग चाहते हैं कि हमारे पास अच्छा भाग्य हो, बिना भाग्य के आपके कई बार कई लोगों के साथ आती है समस्याएं। कर्म भी महत्वपूर्ण है, लेकिन आपके कर्म के साथ आपका लक, भाग्य भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो भाग्य का सीधे सीधे ये आशय है कि आप कर्म कम करते हैं मिल ज़्यादा जाता है, फल ज़्यादा मिलता है, आउटपुट ज़्यादा होता है, तो उसमें भाग्य का फैक्टर जोड़ते हैं, भाग्य का फैक्टर। लेकिन कर्म बहुत कर रहे हैं और आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे फिर भाग्य ही कसूरवार भी होता है। अब इसलिए महत्वपूर्ण है भाग्य। हाँ, महत्वपूर्ण है, और इसके पीछे एक और भी कारण है जो मैंने कहा कि नौवां घर सिर्फ भाग्य का नहीं है, नौवां घर आपके धर्म का है। अच्छा, भाग्य धर्म, भाग्य धर्म पिता भी है। अच्छा। और नौवां घर गुरु का है, जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, जो आपके मार्गदर्शन कर रहे हैं, उसका है नौवां घर। उसके बाद आप पहुंच जाते हैं इसकी जो दूसरी राशि है वो 12वां राशि है, जिसको मीन राशि बोल रहे हैं, वो आपके चार्ट का 12वां घर है। 12वां घर किस चीज़ का है, एक नंबर में जहाँ से आपका चार्ट शुरू होता है, पहला नंबर, पहला नंबर में आपका जीवन आता है, शरीर आता है, और 12वां जो घर होता है वहाँ पे शरीर आपका खत्म हो जाता है। अच्छा, लेकिन सिर्फ वहाँ पे शरीर खत्म नहीं हो रहा है, वहाँ पे मोक्ष हो रहा है, वो शरीर से थोड़ा सा ऊपर की चीज़ है। तो 12वां घर आपका इनकार्नेशन हाउस है, मुक्ति का घर है, लॉस का भी घर कहते हैं। अगर हम उसको फिजिकल लाइफ में से जोड़ के देखेंगे तो वो हमारे लिए नुकसान का घर है, अस्पताल का घर है, जेल का घर है। अच्छा, और वो सबसे महत्वपूर्ण कि वो दान का घर है, जहाँ पे आप दान करते हैं, किसी को देते हैं, दूसरों के लिए कुछ दे रहे हैं, वो घर है। आप समझिए, यहीं से आपको गुरु को समझने में सहूलियत होने लगेगी। हमने कहा कि उसकी दो राशियां हैं, जो पहली राशि थी धनु राशि, वो आपका 9th हाउस है, 9th हाउस आपका भाग्य है, और उसकी जो दूसरी राशि है वो पहुंच जा रही है 12वें घर में, जो इनकार्नेशन भी है, लॉस भी है और दान भी है। इसका मतलब आपका भाग्य कहाँ से कनेक्ट हो रहा है, आपका भाग्य आपके दान से कनेक्ट होता है।
इसका मतलब क्या है कि एक तरफ गुरु ये भी कह रहे हैं कि हम आपको भाग्य देंगे, शर्त है, शर्त क्या है, आपको दूसरों के लिए कुछ दान करना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा, एक परोपकार का भावना, परोपकार का भावना करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं, मैंने कहा कंडीशन घर वही है, बारहवां घर जहाँ पे दान का भी हो रहा है, इनकार्नेशन का भी हो रहा है, लॉस का भी हो रहा है, हॉस्पिटल भी हो रहा है, जेल भी हो रहा है, जेल भी हो रहा है, अगर आप दान से चूक जाएंगे तो फिर क्या होगा, बाकी चीजें आपको झेलनी पड़ेगी, अस्पताल आपको जाना पड़ेगा, केस मुकदमा में, केस मुकदमा आप पे होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप दान से जुड़ जाते हैं, दान का मतलब सिर्फ फिजिकल दान नहीं होता, हम ज्ञान किसी को दे रहे वो भी दान है, ज्ञान का भी ध्यान होता है, तो सोच सकते हैं कि जुपिटर किस तरह से आपके चार्ट में काम कर रहा होगा। ये तो एक बात है। दूसरी बात, अब देखिए हमने कहा कि ना आपके चार्ट में 12 ही घर हैं, पूरी आपकी जीवन, आपका उठना बैठना, खाना पीना, आपका लाभ नुकसान, जीवन के हर एक पहलू आपको इन्हीं 12 घरों के माध्यम से मिल रही है। उसमें से दो घर तो हो गए आपके जुपिटर के अपने घर हैं, इसमें एक और मैं चीज़, चूँकि जो लोग सीखना चाहेंगे ज्योतिष, उनके लिए थोड़ा एक इंटरेस्टिंग शब्द रहेगा कि धनु मूल त्रिकोण राशि होती है। एक मूल त्रिकोण राशि का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा कि जुपिटर के दो घर हैं, सेजिटेरस और पाइसेस, धनु और मीन, इसमें से धनु उसका मूल त्रिकोण घर है। मूल त्रिकोण घर का मतलब क्या है कि सपोज ऐसे समझे कि हमारे पास 4 फ्लैट है, लेकिन हम कहाँ रहते हैं, पटना में रहते हैं अगर, तो जिस घर में हम रहते हैं, जहाँ पे हमारा पावर ज़्यादा है, वो हमारा मूल त्रिकोण हाउस होता है ग्रहों के हिसाब से। तो गुरु का मूल त्रिकोण राशि जो है धनु राशि, यानी कि भाग्य की राशि है, पिता की राशि है, धर्म की राशि है, और आपके ध्यान की राशि है, ध्यान की राशि है। इसका मतलब कि गुरु सिर्फ उसके अंदर पावर है कि आपके अंदर भाग्य को प्रदान कर दें, खुशी दे दें आपको, ये उनकी क्षमता है, क्योंकि वो उनका मूल त्रिकोण राशि है जिस घर में वो खुद रहते हैं। जी जी, ठीक है। अब एक बात तो ये हुई, दूसरी बात क्या है कि जो गुरु है, जुपिटर है, उसको वो 4 घरों के कारक भी हैं। सोचिए, 2 घर उनके हैं अपने, और वो 4 घरों के कारक हैं। इसका मतलब क्या है कि 4 घर उनके कंट्रोल में है, नियंत्रण में। कौन कौन से घर हैं? पहला दूसरा घर, दूसरा घर, चूंकि जब मैं चंद्रमा के बारे में डिस्कस कर रहा था तो मैंने कहा था कि दूसरा घर आपका सिंचित धन का है, जो धन आप सिंचित कर पाते हैं, जमा कर पाते हैं लाइफ में, तो दूसरा घर उस चीज़ का है, तो वो दूसरा घर का कारक है, यानी कि आप अपने पूरे लाइफ टाइम में कितना पैसा जमा कर पाएंगे ये तय करेगा आपका जुपिटर जी फिजिकली। अब आते हैं कि वो दूसरा जो घर का वो कारक है, पांचवा घर, पांचवा घर को समझते हैं, क्या है पांचवा घर? पांचवा घर आपका संतान है, यानी अगर आपको संतान का सुख चाहिए तो आपका जुपिटर अच्छा होना चाहिए। अच्छा, मतलब संतान प्राप्ति से लेकर संतान का सुख, यानी संतान आपके साथ कैसा बिहेव करता है, संतान आपके लिए शुभकारी है या नहीं है, ये सारा कुछ जुपिटर से तय होगा। उसके बाद पांचवा हाउस शिक्षा का भी है, इसका मतलब है कि जुपिटर आपके शिक्षा का भी कारक बन रहे हैं। पांचवा हाउस आपके क्रिएटिविटी का भी है, रचनात्मकता का भी है, इंटरटेनमेंट का भी है। तो वो जितने भी कारक हैं पांचवें घर के, और इम्पोर्टेंट यहाँ पे मैं एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा आपके साथ, कि पांचवा घर आपके पूर्व पुण्या का है, पूर्व जन्म के मतलब कर्मों का भी है, कर्मों का। इसका मतलब है कि अगर आपको आपका जुपिटर आपके उन कर्मों को ही ट्रांसलेट करके आपको भाग्य के रूप में तब्दील करने की क्षमता रखता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, हाँ, एंड कर्मा, कर्मा, तो कर्मा जो है अलाइनमेंट है, जहाँ पे हम बात करेंगे कि कर्म को हम अलाइन कर रहे हैं, वो जुपिटर के माध्यम से कर रहे हैं, तो पांचवा घर इम्पोर्टेंट हो जाता है। महिलाओं के चार्ट में जुपिटर पति का भी कारक होता है, और इन सामान्य तौर पे भी पुरुषों में भी जुपिटर कहीं ना कहीं शादी का प्लेजर तो कहेंगे नहीं, शादी का माहौल कैसा, आप उसमें कितने खुश हैं, इसको कहीं ना कहीं जुपिटर आपके चार्ट में तय कर रहा है। फिर मैंने कहा कि जुपिटर 9th हाउस का स्वामी भी है, ओनर भी है, 9th हाउस मैंने कहा था, उसका कारक भी है, यानी इम्पोर्टेंट ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद
जो सबसे ज़्यादा है, जो हमारे साथ होगा, आपके साथ होगा, हर एक व्यक्ति के साथ, 11th हाउस। 11th हाउस क्या होता है? महत्वाकांक्षाओं का पूर्ण होने का। आप बहुत कुछ चाहते हैं, आप मतलब चाहते इधर हैं। से शादी ब्याह करते गए, अब आपकी महत्वाकांक्षा कहाँ पूर्ण हुई या क्या बचा रहा हुआ? या उसमें और क्या जोड़ना है, और क्या जोड़ना है, और वो पूरा मूल्यांकन मतलब एक तरह से। और 11th हाउस बिल्कुल। और दूसरी बात क्या है कि वो आपके प्रोफेशनल गेन का है। जिस प्रोफेशन में है आप कितना गेन कर पाते हैं प्रोफेशन के जरिए, कितना आपको आमदनी हो रही है, क्या आपको आमदनी हो रही है, वो रेगुलर इनकम का हाउस है 11th हाउस, उसका भी कारक है जुपिटर। जुपिटर अब आप समझो तो कितना चीजों का कारक हो गया वो। एक तरह से जो आपने कहा कि 80% तो वो सही है। यहीं पे बात खत्म नहीं होती है, अभी बात और भी है कि और भी किन चीजों को वो कंट्रोल कर रहा है। तो आप समझेंगे कि जुपिटर के, जैसे मैंने कहा कि अभी दो ग्रहों का हमने चर्चा किया था, सूर्य का और चंद्रमा का। चंद्रमा का ये जो दोनों ग्रह हैं उनकी सिर्फ एक दृष्टि होती है, एक आस्पेक्ट होता है। दृष्टि का मतलब क्या होता है? विजन। विजन नहीं कहते हम इसको, विजन नहीं कहेंगे हम लोग। चार्ट में एक ग्रह दूसरे घर को देखते हैं। अच्छा, देखना बोलते हैं उसको। तो कैसे देखते? तो जितने ग्रह हैं सभी, मान लीजिए कि कोई ग्रह पहले हाउस में है, ठीक है, तो वो अपने से सातवें घर को देखता है। आप भी देखेंगे, जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ। तो हर एक ग्रह अपने से 180 डिग्री पे जो भी घर होता है उसको देखता है, तो उसको अपने से सातवां हो जाता है वो। तो ये दृष्टि सभी ग्रहों के पास है, चाहे वो सूर्य हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे बुध हो, कोई भी ग्रह होगा, नौ ग्रह सभी अपने से दूसरे, अपने से अपोजिट घर को देखेंगे। सूर्य के पास सिर्फ एक दृष्टि है, चंद्रमा के पास सिर्फ एक दृष्टि है, लेकिन जुपिटर के पास तीन दृष्टि है, त्रिकालदर्शी। वो तीन तरीके से आपको देखेंगे। कैसे देखेंगे? अपने से पांचवें घर में जो लोग होंगे, जो ग्रह बैठा होगा उसको भी देखेंगे, अपने से नौवें घर में जो बैठा होगा उसको भी देखेंगे। क्यों देखेंगे? कि मैंने क्या कहा, पांचवा मैंने कहा कि पूर्व पुण्य है वो, आपको देखेंगे कि आपने पहले क्या किया था लाइफ में, वहाँ देखेंगे। उसके बाद फिर वो नौवें घर को भी देखेंगे कि भाई अब आपको क्या देना चाहिए, आपके कर्म के आधार पर आपने क्या किया, उसके आधार पर आपको क्या मिलना चाहिए, क्या मिलना ये चाहिए, ये तय करता है जुपिटर। ये तय कर रहा है जुपिटर। तो जुपिटर क्या कर रहा है? अपने से अपोजिट भी देख रहा, अपने से पांचवा भी देख रहा है, और अपने से नौवा भी देख रहा है। इंटरेस्टिंग हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि अब अगर आप इसको गौर से देखेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें बता रहे हैं हमारे रंजीत। तो आप लोग वीडियो छोड़ के जाइएगा मत, बने रहिएगा। जी आप जारी तो रहे। अब क्या है कि एक बात कही गई है ज्योतिष में कि गुरु की जो दृष्टि है वो गंगा जल तुल्य है। वाह क्या बात है। यानी कि गुरु ने अगर आपको देख लिया, निश्चल पवित्र, तो आपके जीवन में जिस घर को देख लिया धन्य हुआ वो, वो घर धन हो गया। जिस ग्रह को देख लिया उस ग्रह से संबंधित समस्याएं तो आएंगी जीवन में, समस्याओं का तो एक लाइफ का मतलब समस्याएं हैं, लेकिन वो आपकी समस्याओं को न्यून करने की क्षमता रखेंगे, मतलब वो असर नहीं करेगी, आप आराम से निकल जाएंगे, आराम से निकल जाएंगे। तो गुरु की जो जुपिटर की जो आस्पेक्ट है वो गंगा जल तुल्य माना गया है। इस लिहाज से अगर हम कहेंगे तो गुरु बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर गुरु आपके चार्ट में अच्छा नहीं काम रहा है, अगर प्रॉब्लम आ रही है गुरु में, तो इसका मतलब है आपको गुरु पे काम करने की ज़रूरत है, ज़रूरत बहुत ज़रूरत। और कहीं ना कहीं हमारे देखने वाले मित्रों, संतुलन जीवन का एक अभिन्न पक्ष है। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि हमेशा वो अवसाद में रहे, क्रियोश में रहे या असंतुलित रहे। संतुलन जीवन में जब हल्कापन आ जाता है तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है। यानी एक जीवन वेट, हम लोग कहते हैं ना पर्सनालिटी में वजन नहीं है, बोली में वजन नहीं है, इसके चरित्र में वजन नहीं है। तो इन सारे जो पक्ष हैं उसमें एक वजन का फैक्टर है, और वजन सबसे ज़्यादा गुरु का है, भारी ग्रह जुपिटर का, भारी ग्रह है। और जीवन में संतुलन प्रदान करने का काम गुरु करते हैं, बिल्कुल स्थिरता, संतुलन विचारों में स्थिरता, वाणी में स्थिरता, रिलेशन में स्थिरता, आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पर स्थिरता। तो इस लिहाजा से भी जुपिटर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ। अगर सही नहीं है तो आप उसको ठीक कर देंगे, बिल्कुल सही ज्ञान जाना चाहिए। नहीं नहीं बिल्कुल आपने सही कहा, संतुलन का कार्य का मुझे याद आ गया अभी जब आपने कहा संतुलन और गुरु की बात। तो एक मुझे कबीर का दोहा याद आ गया,
कबीर ने कहा था कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाँव, काके लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। उन्होंने कहा कि अगर गुरु खड़े हैं, ईश्वर खड़े हैं, किसको पाँव लगना चाहिए? तो वो कहते हैं कि गुरु ने ही तो मुझे ये बताया कि कौन है गोविंद, ईश्वर कौन है। तो सबसे पहले तो जिसने मुझे रास्ता दिखाया, मार्ग दर्शन कराया, मैं उनके पाँव को लगूंगा, उनका पैर छूंगा। और एक चीज़ मैं और आपसे कहना वो चाहूँगा कि गुरु की नाराज़गी बहुत डिफ़िकल्ट होती है, आपके चार्ट में भी और आपके जीवन में भी। आप जीवन में सब कुछ करें लेकिन गुरु की नाराज़गी अगर आपके साथ है, जिससे कभी आपने जीवन में शिक्षा प्राप्त किया, जिसने आपके जीवन को मार्गदर्शन किया हो, वो कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है, घर वाले भी हो सकते हैं गुरु आपके, गुरु कोई भी हो सकता है जो आपका मार्गदर्शन कर रहा है, उनकी नाराज़गी आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। फिर वो हरेक भी यानी कि भगवान भी आपको नहीं बचा सकते। क्योंकि कबीर का दूसरा दोहा मुझे फिर याद आ गया कि कबीरा जे जन अंध हैं, गुरु को बताए कुछ और, हरी रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। बड़े भगवान रूठ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। अगर भगवान रूठ गए हाँ। तो आपके पास गुरु हैं, वो आपको सुरक्षित कर लेंगे, लेकिन अगर आपके गुरु रूठ गए तो हरी के पास भी कोई उपाय नहीं है, रास्ता नहीं है। तो मैं भयभीत नहीं रहा हूँ कर लोगों को कि आप डर जाएं कि गुरु का सम्मान आदर सम्मान करना चाहिए। अब इसी तरह से हम समझेंगे कुछ चीज़ों को और कि हम कैसे समझें कि आपके चार्ट में गुरु ठीक है, अच्छे से काम कर रहा है या अच्छे से काम नहीं कर रहा है। जी, व्यवहारिकता पे हम व्यवहारिकता, क्योंकि ज्ञान पक्ष खत्म हुआ, अब व्यवहारिक पक्ष है, व्यवहारिक पक्ष पे हम लोग पहुँचते हैं। तो बने रहिएगा आगे, अब व्यवहारिक पक्ष आ रहा है। जी, तो व्यवहारिक पक्ष क्या है? मैंने कहा कि गुरु ही एक ऐसा ग्रह है जो आपके पर्सनल ग्रोथ के साथ प्रोफेशनल ग्रोथ को कंट्रोल कर रहा है। जी, क्यों? क्योंकि पर्सनल ग्रोथ में आपका भाग्य भी आ रहा है, ठीक है, आपका धन, आपका सेकेंड हाउस परिवार भी आ रहा है। प्रोफेशनल ग्रोथ मैंने कहा 11th हाउस का कारक है, यानी कि आप जो काम करते हैं उस काम से आपको कितना फायदा हो रहा है, कितनी आपको लाभ हो रहा है, ये गुरु के कंट्रोल में है, गुरु के नियंत्रण में है। तो अगर आपको ये महसूस हो रहा है, देखिए एक चीज़ और मैं आपको पहले यहाँ पे थोड़ा समझा दूँ, गुरु विस्तार का भी कारक है। अच्छा, प्रसिद्धि, हाँ, विस्तार कहीं, अगर यश का भी कारक है, विस्तार का। अगर आप कोई काम कर रहे हैं लेकिन आपका काम विस्तारित नहीं हो पा रहा, ठहरा हुआ है, रुका हुआ है, वो आगे नहीं बढ़ रहा, आगे उसका मूवमेंट नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि गुरु आपके चार्ट में ठीक नहीं, थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा है या फिर अच्छे कंडीशन में अभी नहीं। हम ये जान रहे हैं कि कैसे स्थितियों से जाने कि मेरा गुरु ठीक है या नहीं, कैसा है, ठीक है या नहीं है, एक तो ये है। दूसरा है कि अगर आप धन सिंचित नहीं कर पा रहे, ठीक है, परिवार के साथ आपके अच्छे संबंध चाहकर भी आप कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि आपके सगे संबंधियों के साथ आपके मृदुल संबंध हो, अच्छे संबंध हो, बट वो स्थापित नहीं कर पा रहे, इसका मतलब है कि गुरु आपके चार्ट में अच्छे कंडीशन में नहीं है, आपको थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है। दूसरा, अगर आपको ये लगता है कि एजुकेशन में आपके हिंड्रेंस बहुत आते हैं, आप पढ़ते भी बहुत हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट आप ना एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आप उसको फेस कर रहे हैं, बट आपको समस्याएं आ रही होंगी, हो नहीं रहा एग्जाम, पास नहीं हो पा रहे, इसका मतलब है कि गुरु पे आपको काम करने की ज़रूरत है, ज्ञान पक्ष कमज़ोर है, ज्ञान पक्ष। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात मैंने कहा कि आपका संतान, अगर किन्हीं का शादी हो चुका है, संतान प्राप्ति में दिक्कत आ रही हो, या संतान के साथ संबंध बहुत खराब रहे हो, चल संतान आपका सम्मान नहीं रहा हो कर, या संतान के लाइफ में खुद ही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आ गई हो, तो आपको वहाँ पे भी सतर्क होने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है कि क्या हम गुरु के साथ न्याय कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद मैंने कहा कि गुरु आपका हायर एजुकेशन है, 9th हाउस, 9th हाउस आपका हायर एजुकेशन दिखाता है, जो 5वां घर है वो अंडर ग्रेजुएट तक का समय है, और जो 9th हाउस है वो हायर एजुकेशन है, ग्रेजुएशन के बाद का समय है। अगर आप हायर एजुकेशन करने के लिए इच्छुक हैं लेकिन कठिनाई आ रही है, दिक्कतें आ रही है, तो आप वहाँ पे सतर्क हो जाएं कि आपका गुरु
कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में है, फंसा हुआ है गुरु, आपको थोड़ा कुछ करना पड़ेगा। अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा किसी भी काम में, आप लास्ट टाइम में आपके मार्क्स आ रहे हैं 99, एक मार्क्स के कारण आपका एग्जाम छूट जा रहा है, कंपटीशन आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो गुरु आपके चार्ट में प्रॉब्लम कर रहा है। 12वां हाउस है, हमने कहा कि आय, एक तो आय, अगर आपकी आय रेगुलर इनकम आपकी होती नहीं है, कभी आपको काम मिला काम छूट गया, फिर काम मिला फिर काम आपका छूट गया, लगातार ऐसा होता है, इंस्टॉलमेंट में अगर आपको काम मिलते हैं, गुरु खराब है जी। उसके बाद अगर आपको हॉस्पिटलाइजेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, घर में बहुत से ज़्यादा लोग लगातार हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, लगातार हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपके गुरु में प्रॉब्लम आ रही है। कोई जेल वाली कंडीशन भी हो सकती है, मैंने कहा कि 12वां राशि वहाँ पे है, तो आपको केस भी चल रहा हो, डिफ़िकल्ट केस चल रहा हो, कारावास की समस्याएँ हो रही हैं, घर में ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, तो जुपिटर खराब है, उस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। तो ये तो एक तो मैंने समझा, एक व्यवहारिक पक्ष को थोड़ा जानने का कोशिश किया, ये मतलब नेगेटिविटी से लोग जान सकते हैं, नेगेटिविटी से अपने अपने जो आपके साथ हो रहा है उसके जरिए हम लोग समझ सकते हैं, अगर आपके पास चार्ट नहीं है तो। यानी कि अगर कोई बहुत काम कर रहा है और उसको प्रसिद्धि नहीं मिल पा रही है, बहुत इनकम भी नहीं हो रहा, अच्छा, तो गुरु आपका ठीक नहीं है। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए चाह रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे, किसी न किसी वजह से समस्या आ रही, तो गुरु कमजोर। संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, गुरु कमजोर। फीमेल के लिए शादी भी, और फीमेल के लिए शादी नहीं हो रही है, तो गुरु कमजोर है। प्लस संतान होने के बाद भी अगर उससे साथ संबंध अच्छा नहीं है तो गुरु कमजोर है। दूसरा, परिवार के साथ रिलेशन अच्छे नहीं, अपने माता पिता या अपनी पत्नी या अपने भाई बंधु के साथ अच्छे संबंध नहीं है, तो गुरु कमजोर है ना। और उसके बाद यह भी है कि आपका भाग्य साथ नहीं देता है, आप बहुत मेहनत करते हैं उतना परिणाम नहीं मिल पाता, या अक्सर अचानक अंत मोमेंट में आपके परिणाम गड़बड़ हो जाते हैं, तो आपका गुरु कमजोर है। तो ये कुछ बातें थी, बाकी डिटेल में तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। अब बताएं आगे पॉजिटिव से थोड़ा बताएं। हाँ, कि गुरु मजबूत है, उससे मजबूत है। मजबूत का मतलब अगर हम समझे कि हमारा गुरु ठीक है, एक तो जितनी भी चीजें कहीं अगर वो आपके साथ ठीक ठाक चल रहा तो ठीक है, तो यानी जस्ट अपोजिट कर देंगे, एक ठीक हम कहेंगे। देखिए, गुरु मैंने कहा कि मार्गदर्शन है, कई बार हमारे साथ आपके साथ हो सकता है कि आपको हमेशा अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हो पाता, अच्छा गाइडेंस आपको जीवन में प्राप्त नहीं हो पा रहा, तो ये जो गाइडेंस आपको प्राप्त होगा वो गुरु के कारण प्राप्त होगा, ये सिर्फ गुरु के ही कारण आपको गाइडेंस प्राप्त हो सकता है। अगर एक चीज़ और समझेंगे, अब थोड़ा सा ना हम इसको शरीर से भी जोड़ कर देखेंगे, क्योंकि अगर आपके पास प्रोफेशनल गेन है, पर्सनल ग्रोथ हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अगर शरीर में भी समस्याएं आ रही हैं, तो उसको समझेंगे कि वो किस चीज़ों का कारक है गुरु। देखिए, मैंने कहा कि गुरु पांचवा घर का कारक है, पांचवा घर आपका अष्टमक है, पेट है, पाचन, तो पाचन अगर आपका खराब है तो इसका मतलब आपके चार्ट में गुरु प्रॉब्लम कर रहा है। वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आँत में किसी तरह की समस्याएं होती हैं तो गुरु आपका खराब है, वो लीवर का काउस है। अगर आपको लीवर में प्रॉब्लम चल रही है तो आपको गुरु पे वर्क करने की ज़रूरत है। और सबसे जो आजकल के समय में जो सबसे सामान्य है, जो हर एक घर में, एक घर छोड़कर या मुझे लगता है कि शायद आज सभी घरों में पहुंच चुका है, वो मधुमेह, डायबिटीज। तो गुरु पैनक्रियाज का कारक है। अगर आप मधुमेह से पीड़ित हैं तो आपको जुपिटर पे वर्क करने की ज़रूरत है। हम समझाएंगे कि हम लोग कैसे उस पे काम कर सकते हैं और कैसे हम गुरु को ठीक कर सकते हैं, वो अगला जो आएगा चरण हम उसमें समझाएंगे। अभी यानी हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं, आप चीज़ों को समझें, निराकरण भी है, अगर समस्या निराकरण है, तो बिल्कुल है, निराकरण है और 100% है, तो वो पैनक्रियाज का भी कारक है। और कभी कभी आप क्या देखते हैं ना कि अगर आपको ना बार बार जॉन्डिस होता है, किसी बच्चे को हो रहा हो, घर में किसी को हो रहा हो जॉन्डिस, तो आप वहाँ पे सतर्क होइए कि आपको आपके बच्चे के चार्ट में या आपके चार्ट में जुपिटर अच्छे कंडीशन में नहीं है जी। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि ये तो आपका जो है, अगर आपके कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, देखिए ये देखिए एक ग्रह दूसरे से कैसे कनेक्ट होता है। हमने क्या कहा था, जब जब बात शुरू हुई थी तो मैंने क्या कहा था
कि गुरु महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वो सूर्य और चंद्रमा के बीच की कड़ी है, आत्मा और मन के बीच की कड़ी, क्योंकि वो प्राण वायु है, ऑक्सीजन है। तो देखेंगे आप कि कोरोना काल में जितने लोगों की ऑक्सीजन कमा या जो हॉस्पिटलाइज हो गए थे उनका गुरु प्रॉब्लम में था, क्योंकि ऑक्सीजन का कारक, ये भी एक दृष्टिकोण है इस पूरी त्रासदी को समझने, त्रासदी को समझने का विधा उसको समझाता है या समझता है, तो ज्योतिषी की एक नजरिया ये है। वहीं से मैं एक चीज और कनेक्ट करना चाहूंगा। मैंने कहा कि अब हम देखते ना, देखिए ग्रहों में कुछ ग्रह एक दूसरे के दोस्त होते हैं और कुछ ग्रह एक दूसरे के शत्रु होते हैं। गुरु का शत्रु दो है, एक राहु और एक बुध। बुध पे हम आएंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। पहले समझते हैं राहु को, गुरु राहु का थोड़ा संक्षिप्त में बताइए क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, तो ऐसा ना हो कि बिल्कुल मुख्य पक्ष जो समाधान वाले पे हम लोग ज्यादा जोर देंगे। हाँ, समाधान पे, उस पे ज्यादा विस्तार, समाधान पे ज्यादा जोर देंगे। तो गुरु के साथ राहु का जो कम्बिनेशन होता है, तो राहु क्या होता है कि किसी चीज़ों को ख़त्म करने की क्षमता रखता है, वो सांप का मुंह है। तो जितने लोग कोरोना काल में जिनका डेथ हुआ होगा उनका गुरु के साथ राहु का कम्बिनेशन आएगा। गुरु क्या है? ऑक्सीजन है। जब उनके चार्ट में गुरु के साथ राहु बैठेगा तो वो ऑक्सीजन को ख़त्म करना चाहेगा। अच्छा, तो क्या होगा, ऑक्सीजन की अचानक जो है कमी आ जाएगी। आपने शुरुआत में ही बताया था कि गुरु जो है वो श्वास भी है। श्वास भी मैंने कहा ऑक्सीजन है, प्राण वायु है वो। जी जी। तो प्राण वायु जब तक ठीक नहीं होगा तो प्रॉब्लम आएगी। तो एक तो मैंने ये पक्ष है, दूसरा पक्ष क्या है कि गुरु राहु आपका लत है, हैबिचुएशन है, आदत है। तो गुरु जब खराब होता है, अगर आपके पास कोई लत है, शराब का लत हो गया, ड्रग्स का लत लग गया, कोई ऐसा डिफिकल्ट लत आपके साथ आ रहा है, तो आपको भी तब भी समझना पड़ेगा कि आपका गुरु खराब हो रहा है। ठीक है, दूसरा पक्ष हम समझते हैं कि नहीं, हम उसको निवारण में लेंगे गुरु और बुध के बारे में। अच्छा, जो उसका रेमेडीज है, रेमेडीज है, उस पे लेंगे। तो अब हम रेमेडीज पे आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक आपने देखा बहुत सारे चीज कि आप कैसे जान सकते हैं कि किसी के चार्ट में, या किसी के चार्ट ना भी कहें तो किसी के जीवन में गुरु अगर ठीक नहीं है या इस तरह की दिक्कत आ रही है, तो अब उसे समाधान की ओर जाना चाहिए। और समाधान, जब समस्या है तो समाधान भी है। जब कार्य और कारण का सिद्धांत करता है, इफ़ देयर इज़ एन काउज देयर मस्ट बी एन इफेक्ट, तो अगर आप इफेक्ट को ख़त्म कर देंगे काउज अपने आप ख़त्म हो जाएगा। यानी कि जो आपकी समस्या है और उसके जो कारक हैं उसे आप समाप्त कर देंगे तो समस्या अपने आप गायब हो जाएगी। तो रंजीत जी, अब हमारे दर्शक का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष बने रहिएगा, समस्या का समाधान। यानी अगर किसी के कुंडली या जो कर लें आप हाउस या जीवन में गुरु की दशा ठीक नहीं है, उसे कैसे ठीक किया जा सकता है? ठीक है, निराकरण की बात को हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग निराकरण को इन ऑन ए प्रैक्टिकल वे में पहले समझते हैं, उसके बाद थोड़ा सा और भी समझेंगे। प्रैक्टिकल वे में समझने के लिए पहला क्या है कि गुरु का जो रंग है वो येल्लो है, पीला। अच्छा, शायद इसीलिए आज आपने पीला शर्ट पहना। तो धारण किए, पीला पीला जितनी वस्तुएं हैं उसके कारक हैं गुरु, और वो पेट में भी सहायक होता है। हाँ, तो समझेंगे हम। तो पहला क्या करना है कि अगर आपका जुपिटर ख़राब हो रहा है, या फिर जितने मैंने कारक समझाए हैं उसमें कहीं प्रॉब्लम आ रही है, कहीं समस्या आ रही है, तो पहले तो आप पीली वस्तुओं का सेवन करना शुरू कीजिए। पपीता खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, पीला केला है, और वो पेट के लिए अच्छा है, पेट के लिए अच्छा है। अगर आपको हल्दी, जैसे आपने सुना होगा कि कोरोना काल में लोगों ने कहा कि हल्दी का भी आप भाप लीजिए, कह रहे थे लोग, तो आप हल्दी का सेवन अपने खाने में कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। एंटीबायोटिक होता है। हाँ, वो एंटीबायोटिक रूप में आपको काम करेगा। और एक तो ये होगा, दूसरा हम थोड़ा वास्तु पे अगर समझे, प्रैक्टिकल वास्तु पे जो आपके वो घर में है, आप अपने घर का जो नॉर्थ का डायरेक्शन है वहाँ देखिए। नॉर्थ के डायरेक्शन में अगर आपके घर में डार्क कलर की कोई चीज़ें हैं, ब्लू है, ब्लैक है, दीवारों का कलर हो रहा है, या कुछ चीज़ें हैं, वो कुबेर का स्थान है, धन का स्थान है, और उसको नियंत्रित कौन करता है? गुरु। आप वहाँ पे कोशिश करें, अगर आपके दीवार का कलर चेंज नहीं हो सकता, अगर हो सकता है तो आप चेंज करें, अगर नहीं हो सकता है तो आप वहाँ पे कुछ पीली कलर की चीज़ें प्लेस करने की कोशिश करें, प्रोमिनेंट चीज़ें। दूसरा, आपने सुना होगा कि वास्तु, या फिर जब किन्होंने भी सुना होगा
ईशान कोण सुना होगा, देव का कोण है, देव कोण नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, जो घर का आपका डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट का, ईशान कोण है वो गुरु का स्थान है, देव स्थान है। वहाँ पे आप देखें कि क्या वहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि बहुत डार्क तरह की चीज़ें रखी है, जैसे ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, ऐसा कोई कलर है, या कलर नहीं भी है तो आप उस डायरेक्शन में पीली तरह की चीज़ें कुछ वहाँ पे ज़रूर रखें। और गुरु का 80% मतलब प्रभाव है, प्रभाव है, तो इसलिए उसको, हाँ, उसको वो बहुत वास्तु के तरह से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं जी। तीसरा चीज़ कि अगर आपको करना है तो अगर आपके गुरु आपके चार्ट में बहुत प्रॉब्लम कर रहा हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा हो, तो आपको करना क्या है कि तकरीबन 250 ग्राम से लेके हाफ के जी चने का दाल 9 टाइम 9 गुरु बार अगर आप चाहें तो मंदिर में जाकर दान करें। अच्छा, मतलब मंदिर कोई भी हो, कोई मंदिर हो, किसी मतलब भगवान का मंदिर, भगवान का मंदिर हो, वहाँ पे आप उसको जरूर दान करें। दान पुजारी को करना है या पुजारी को करना है या बाहर बैठे हुए जो है पुजारी को कर दे, ठीक है, क्योंकि पुजारी ही आपका लेंगे, ठीक है। बाहर अगर कोई बैठे हुए लोग हैं उसको भी आप दान कर सकते हैं, लिमिटेशन नहीं है इसमें जी। तो आपको दान करें, ये हुआ एक प्रैक्टिकल पक्ष जी। अब आते हैं जो इम्पोर्टेंट पक्ष है, ये तो प्रैक्टिकल पक्ष जो है करना ही है आपको, सेवन करना जो मैंने चीज़ें बताई। अब थोड़ा सा दूसरे पक्ष में आते हैं, हमने कहा कि अगर गुरु खराब है तो आपको अपने नेचर को तलाशने की ज़रूरत है जी। इसका मतलब है आपके जीवन में गुरु नहीं है कोई, या आपने अभी तक किसी को गुरु माना नहीं, आप गुरु मानना शुरू कीजिए। और मैंने एक बात और जोड़ा है, मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि गुरु का दुश्मन जो है मरकरी है, गुरु गुरु ज्ञान है और मरकरी बुद्धि है, अंतर समझिए, ज्ञान बुद्धि नहीं है। और यहीं पे आपका जो एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि आपको करना क्या है कि गुरु विश्वास है, आपको विश्वास करना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ों पे, जो चीज़ें आपको आँख से नहीं दिखती आप उसको नकार नहीं सकते, अस्तित्व में है वो, आप विश्वास कीजिए। कभी कभी क्या होगा, जब आपका गुरु खराब होगा तो आपको ना एक दूसरे पे जल्दी फेथ नहीं आएगा आपको, शक, आप वहाँ पे तर्क करेंगे, बुद्धि बुद्धि लगाएंगे, और बुद्ध मरकरी जो मैंने कहा उसका दुश्मन है, ज्ञान का दुश्मन बुद्धि है जी आपके। तो अगर आप हर एक चीज़ों में, जीवन का चाहे संबंध है चाहे कहीं भी है, हर एक पहलू में अगर आप मरकरी का इस्तेमाल अधिक कर रहे हैं, बुद्धि का इस्तेमाल कर, आप सजग हो जाइए, आप अपने गुरु को ख़राब कर रहे हैं। मतलब कई बार हमें थोड़ा समर्पण के भाव में रहना चाहिए, कोई हमसे बड़े हैं, कोई ज्ञानी है तो उनको स्वीकार करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। कोई साधु संत महात्मा आदमी है तो बेवजह कहे उंगली नहीं उठाना चाहिए, उंगली नहीं, आप ना, हमने कहा कि आप सर्च कीजिए, ढूंढिए चीज़ों को, लेकिन शक के साथ नहीं, शक के साथ नहीं। और या आपके माता पिता हैं, अग्रज हैं, भाई बंधु हैं तो उनको इज्जत प्रतिष्ठा दीजिए, उनके उम्र का लिहाज करना कर दिए। और भीतर से तार्किक होना ठीक है, लेकिन ज़्यादा तार्किक होंगे आप और हर एक चीज़ों में जो चीज़ें आपको आँख से नहीं दिख रही आप उसको नकार नहीं सकते। ईश्वर आपको आँख से नहीं दिखता, आप ये नहीं कह सकते कि हमको आँख से नहीं दिख रहा तो नहीं है। अगर तर्क ज्ञान के लिए है या समझने के लिए है, जिज्ञासा शांत करने के लिए, तो ठीक है। लेकिन तर्क इसलिए है कि किसी को मैं नीच नकार दूं या किसी का चरित्र चित्रण कर दूं या किसी को शून्य बता दूं या क्षुद्र बता दूं, तो ठीक नहीं है। किसी को डिमीन करने के लिए वो नहीं होना चाहिए। अब मैं आता हूँ इस सत्र का सबसे महत्वपूर्ण डिस्कशन पे, उपाय में, ये सबसे महत्वपूर्ण है, आपको इसका स्मरण रखना होगा तभी आप अपने गुरु को ठीक कर पाएंगे। देखिए, शरीर में 7 चक्रास हैं, आप भी जानते होंगे, जो नहीं जानते मैं उनके लिए ये बता दूं कि शरीर में 7 चक्र हैं। चक्र का मतलब है जहाँ पे आपके जीवन का एनर्जी एक्यूमुलेटेड है, सिंचित है, जमा है। तो शुरू होता है नीचे से, मूलाधार आता है, स्वाधिष्ठान आता है, उसके बाद मणिपुर चक्र आता है, हृदय के पास आता है अनहत, ठीक है, विशुद्ध चक्र इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं आज्ञा चक्र, और जो सबसे ऊपर का चक्र है वो सहस्त्रार है। ये टोटल 7 चक्रास हैं। इन्हीं 7 चक्रास को आप मेडिकल साइंस इसको नहीं देख सकता कि कहाँ पे हैं वो चक्र, आपको दिखेंगे नहीं वो।
ठीक है, अनुभूति में आ सकता है। हाँ, ये अनुभूत करने की चीज़ है। और जो अगर कहीं कोई व्यक्ति अध्यात्म से ध्यान में अगर आप जाएंगे गहरी ध्यान में तो आपको अनुभूति हो जाएगी, तो वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना क्या मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। तो ये जो चक्रास है उसमें हम बात कर रहे हैं आज गुरु की, जो नाभि चक्र के पास एक चक्र है उसको बोलते हैं मणिपुर चक्र, उसका कलर पहले समझेंगे। उस चक्र का कलर है येलो पीला। उस चक्र का कंट्रोल कौन करता है, कौन सा ग्रह? जुपिटर। तो मणिपुर चक्र किस चीज के लिए है? जैसा आपने कहा था शुरू में, मणिपुर चक्र आपके संतुलन के लिए है, बैलेंस उदारता के लिए और सेटिस्फैक्शन के लिए है, पहला। दूसरा क्या है, अगर उसको हम शरीर से जोड़ के देखेंगे तो आप वो जो चक्र है वो आपके पैनक्रियास का पार्ट है, डाइजेशन का पार्ट है, लीवर का पार्ट है। अब इसके तीसरे अगर चरण में हम जाएंगे तो आप देखेंगे कि नाभि ही आपका जीवन है, वहीं से आपकी जीवन की शुरुआत हो रही है, कनेक्टिंग लाइन। जब जन्मों का संस्कार भी ट्रांसफर वहीं, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो वो नाभि के जरिए ही उसको खाना प्राप्त होता है। बच्चा जब गर्भ में होता है तो उसका हृदय नहीं धड़कता, वो नाभि में ही सिर्फ स्पंदन होता है। इसका मतलब है नाभि ही आपको इस जीवन से जोड़ कर रखा है, ऑक्सीजन का सबसे बड़ा कारक है वहाँ पे। तो अब दिक्कत क्या है, अब मैं समझता हूँ, अब आगे मैं इसको करता हूँ समराइज कि आपके साथ जो गुरु की जो समस्याएं आ रही हैं लाइफ में, या तो हेल्थ की समस्याएं आ रही होंगी, या पर्सनल लेवल पे दिक्कतें आ रही हैं, या आपके प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कत आ रही है, उसके पीछे एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है, आपका सांस लेने का तरीका गलत है। आप चेस्ट से सांस को ले रहे हैं, नाभि से नहीं ले पा रहे। अगर आपका ऑक्सीजन, जब आप सांस लेते हो तो आपके पेट में थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, इन होने पे, आउट होने पे थोड़ा अंदर होना चाहिए। अगर यहाँ पे स्पंदन है आपके सांस का तो आपका समझिए कि मणिपुर चक्र कंट्रोल में आ गया। जब वो चक्र कंट्रोल में आएगा तो गुरु आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। जब गुरु कंट्रोल में आएंगे तो आपका प्राण वायु आपके पूरे शरीर में संचरित होगा। जब वो संचरित होगा तो आपका, मैंने कहा था, जितने घरों के कारक हैं वो सब ऑटोमेटिक ठीक होने लग जाएंगे। इसका मतलब क्या है, अब आप देखेंगे बच्चा इतना खुश क्यों रहता है, नाभि से सांस लेता है, क्योंकि वो बच्चा को आप गौर से देखिए, जब सोया है वो छोटा बच्चा, पेट उसका फूल रहा है, डाउन हो रहा है। जब आप गहरी नींद में होते हैं आप पेट से सांस लेना शुरू करते हैं, रिलैक्स होते हैं। तो जब आपका रिलैक्सेशन मोड में अगर आपको पहुंचना है तो आपको पेट से सांस लेना पड़ेगा। सारे ऋषि मुनि, प्राणायाम है, योगा है, ध्यान है, आप करिए, वो चीज़ हो जाती है, वो चीज़ आपको होगी। और लेकिन अगर आप चाहिए कि मैं ले लूँ तो वो नहीं होगा। नहीं, हो सकता है अगर आप सांस लें, मैं बताता हूँ सिंपल सा क्या करना है। आपको सांस लेना है, फील करना, आपका पेट अप हुआ, आपने सांस छोड़ा, पेट हल्का सा नीचे गया नाभि के पास, आपको पेट को आगे पीछे करना, ना कि छाती को करना है। तो आपका धीरे धीरे जो है आपकी एक तरह से ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस लंबे समय बाद किया जा सकता है। लंबे समय आप दिन भर में 10-20 मिनट पेट से सांस लीजिए, अब आप क्या देखेंगे, देखिए अब पेट में एक चीज़ मैं और आपको कनेक्ट करना चाहूँगा गुरु के साथ। मैंने एक शुरुआत में कहा था कि गुरु के दो घर हैं, एक भाग्य का घर है, 9 नंबर, एक 12th घर है जहाँ पे आप मोक्ष का। तो क्या है कि अगर मैं कहूँ आपसे भी कहूँ कि आप ना सांस लीजिए, फील कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपको सांस लेना याद होता है लेकिन छोड़ना याद नहीं होता। आपका पूरा फोकस लेने पर है, गुरु का ये स्वभाव नहीं है। अब आपको क्या करना है, अब आप दोनों पे ध्यान देना है। अब आपको लेने पे ध्यान देना ही नहीं है, लेना ऑटोमेटिक होना चाहिए। अब आपको छोड़ने पे, कितना छोड़ना है, ज्यादा छोड़ना है। जैसे मैंने कहा था कि आपका भाग्य तभी आएगा जब आप दान करेंगे, ज्यादा दान करेंगे। उसी तरह से श्वास के साथ है, क्योंकि वो जुपिटर का एक पार्ट है। तो जब आप सांस लें, पेट से सांस ले, पेट के अंदर सांस गया आपका, इस पर ध्यान मत रखें, सिर्फ छोड़ने पे कि कितना निकल रहा है। आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सांस जाए, बाहर निकले। तो ये ना, और देखिए हमारे जीवन की एक प्रक्रिया भी है, हम लोग पूरे जीवन भर लेने के फिराक में हैं, प्राप्त करने के फिराक में, देने के फिराक में नहीं है। नहीं। जब तक आप देने की प्रवृत्ति में नहीं जाएंगे, और तब तक ना आप अपने सांस के साथ आपका सामंजस्य हो पाएगा, और ना आपका, आपके अपने भाग्य
और अपनी उपलब्धियों के साथ आपका सामंजस्य हो पाएगा, तो देना काफी जरूरी इसको है। साइंस में माइंडफुलनेस भी कहा जाता है कि जो आप कर रहे हैं उस पर पूरा ध्यान रखें, पूरा ध्यान रखें, तभी आप अपनी बुराइयों को भी या कमजोरियों को भी आप देख पाएंगे और अच्छाइयों की तरफ आपका प्रवृत्ति, जो आपकी प्रवृत्ति वो बहुत ही प्राकृतिक तौर से मूव करेगी। यानी कि कृत्रिमता नहीं कि कोई समझा दिया तो मैं करूँ, प्रवृत्ति में आ जाना चाहिए कि भाई चलो बहुत कमाएं तो कुछ दान पुण्य भी करें, कोई गरीब है असहाय है तो उसका हेल्प भी कर दें, कोई है ना, तो ये प्रवृत्ति होनी चाहिए जी, एक एक होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि ये जो संपूर्ण प्रक्रिया, और इसमें एक चीज़ मैं और लास्ट में ऐड करना चाहूँगा कि गुरु का जो तत्व है वो आकाश का तत्व है, आकाश तत्व है गुरु। आकाश तत्व को आप ना समझ नहीं सकते जब तक आप आकाश तत्व ना दिखने का तत्व है नहीं, विस्तार है उसमें बहुत। क्यों? जैसे कि आपने, मैंने कहा कि तत्व पांच है जो पहली बार डिस्कशन हुई थी, जल तत्व देख सकते हैं आप, अग्नि तत्व देख सकते हैं, भूमि तत्व देख सकते हैं, वायु देख नहीं सकते बट महसूस तो आप कर सकते हैं। आकाश तत्व आपको समझ नहीं आएगा कि कहाँ है ये। मूलतः क्या है कि आकाश तत्व इन सभी तत्वों में मिला हुआ है, चारों तत्वों में। अगर आकाश तत्व ना हो तो ये चारों तत्व की परिकल्पना करना थोड़ा मुश्किल है जी। आप समझ सकते हैं कि गुरु सारे तत्वों को भी नियंत्रित कर रहे हैं, चारों तत्वों को, तो गुरु का तत्व कितना बड़ा हो जाता है जी। तो समाधान के रूप में मुझे लगता है जो आपने बताया कि एक तो पीली वस्तुओं का सेवन करें, फल हो इसमें है ना, पपीता दाल वगैरह का आपने बताया, हल्दी, तो एक ये व्यवहारिक है। दूसरा घर के बारे में आपने बताया, और दर्शकों अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि क्या बताया तो आप वीडियो के पिछले हिस्से में जाके देख सकते हैं। तो घर के कोण वगैरह के बारे में बताया कि जहाँ डार्क कलर है वहाँ पे आप येलो कुछ येलो परिवर्तन करिए। दूसरा आपने यह भी बताया कि मंदिर में जाके वो दान वान करिए, हाँ। गरीबों में है ना, ये भी बताया आपने। और अगला जो आपने उसके निवारण तत्व बताया कि सांस पर थोड़ा आपको नाभि से सांस, हाँ, तो ये है। इसके अलावा और भी है, हाँ। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट कि अपने गुरुओं का इज्जत करिए, यानी कि अपने से बड़ों का, उम्र दराज लोगों का सम्मान करिए, बेवजह का तर्क वितर्क या किसी को बेइज्जत करने के लिए तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। अब एक महत्वपूर्ण चीज मैं आप लोगों के साथ ऐड करना चाहूंगा, इसलिए मैंने अभी कहा था आकाश तत्व का मैंने चर्चा की, वो आपका बहुत प्रैक्टिकल तत्व पे मैं आऊंगा अभी। तो आपको क्या करना है कि घर में हमेशा घी के दीपक जलाने हैं। हमेशा मतलब 1 घंटा या 10 मिनट? नहीं, मतलब प्रतिदिन। प्रतिदिन, ठीक। और दीपक का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? तो नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, देखिए नॉर्थ ईस्ट का जो डायरेक्शन है वहाँ पे जो आपके पास जो ऊर्जा जो फ्लो होगी आपके घर में वो पॉजिटिव ऊर्जा है वहाँ पे, इसीलिए उसको देवकोण कहा गया है। ये साइंटिफिक है, ये पूरा वास्तु आपके साइंटिफिक है। तो आपको नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में घी का दीपक जलाना है प्रतिदिन। घी के दीपक के जलने से आकाश तत्व में वृद्धि होती है। अच्छा, आकाश तत्व आपके घर में फैलेगा, आपके जीवन में फैलेगा। और देखिए दीपक तो ऐसे भी जलाना चाहिए, एक सांकेतिक भी है। दीपक हम क्यों जलाते हैं? दीपक जलता है तो वो अंधकार खुद ब खुद दूर हो जाता है, प्रकाश आता है। तो वो एक संकेत भी है कि हम अपने जीवन के अंधकार को दूर करना चाहते हैं तो दीपक हमको जलाना चाहिए, ये सांकेतिक भी है। तो अगर संकेत के साथ हम लोग उसमें घी डाल दें, उसको जलाएं, तो आपके घर में आकाश तत्व में वृद्धि होगी और आपका गुरु ठीक होने लगेगा जी, अगर प्रॉब्लम में है तो जी। तो हमें लगता है दर्शकों के कुल मिलाकर हम अपने अंत तक पहुंच गए। अब मैं आपको रुकने नहीं कहूंगा, लेकिन जिसके अंदर सही में जिज्ञासा है या कुछ और जानना है तो अंतिम प्रश्न आपसे ये हो कि किसी का आप चार्ट का विश्लेषण जैसे, हाँ, महापुरुषों का अगर बता सके थोड़ा, बिल्कुल, जो दर्शक और जानना चाहते हैं, कनेक्ट होना। लेकिन हाँ, जो मूल समस्या थी, पहचान थी, समाधान थी, वो हो चुका है। तो अब रुकने की जो गुजारिश है खत्म। अब जिज्ञासा है, जानना है, कुछ रहस्य की बातें, तो ये मैं इनसे आग्रह करता हूँ किसी का चार्ट थोड़ा सा बताएं कि उसके गुरु तत्व कैसे थे और कैसे वो प्रसिद्ध हुए। अब देखिए, एक तो आपने नाम भी सुना होगा रामकृष्ण परमहंस के, जी जी, बहुत बड़े योगी थे। जब आप गूगल पे जाएं उनके चार्ट आपको गूगल पे भी उपलब्ध मिलेंगे, और मैं चाहूँगा कि आप भी उनका चार्ट थोड़ा प्ले कराएं, डिस्प्ले कराएं, ताकि जो लोग देख रहे हैं उनको समझ में आए। मैं कोशिश करूँगा क्योंकि मुझे बहुत एडिटिंग वगैरह आती नहीं है, बहुत बेसिक्स लेवल का मैं जानता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा वो डालने की। हाँ, तो आप लोग देखेंगे। तो उसमें आप क्या देखेंगे कि उनका गुरु पाँचवें घर में है, ठीक है, और उनकी जो राशि है 11 नंबर से शुरू होगी, जिसको कहते हैं एक्वेरस, कुंभ राशि से शुरू होती है।
उनका गुरु पांचवें घर में। मैंने क्या कहा था कि गुरु की दृष्टियां में गंगा जल है, याद होगा। तो पांचवें घर से जब आप काउंटिंग शुरू करेंगे, नौ पांच से, देखिए यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, ज्योतिष में जब काउंटिंग शुरू होगी तो जो ग्रह जिस घर में बैठा होता है वहीं से काउंटिंग शुरू होती है। अच्छा, एक हम वहीं से काउंट करेंगे। दूसरी बात, हम एंटी क्लॉक काउंटिंग करते हैं, क्लॉक वाइज काउंटिंग नहीं करते। जैसे ग्रह मैंने कहा कि पांचवें घर में गुरु बैठा है, वहां से काउंट शुरू करेंगे, एक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, तो वो लग्न यानी कि पहले घर पे गुरु की नौमी दृष्टि पड़ जाएगी। दृष्टि मैंने कहा गंगा जल है। उस घर में आप क्या पाएंगे जहाँ पे 11 नंबर वो लिखा होगा आपको चार्ट, वहाँ पे दिख रहा होगा, वहाँ पे सूर्य भी बैठा है, सन मून और मरकरी तीनों ग्रह बैठे हुए हैं। मैंने क्या कहा था, गुरु अगर किसी ग्रह को देख लेगा तो वो पुण्य हो जाएगा, उसके अंदर पूरा अपना तत्व वो डाल देगा। सूर्य मैंने क्या कहा था, आत्मा, चंद्रमा मन, और बुध बुद्धि बुद्धि। अब आप सोचिए कि और एक बात और है कि उनके नाइन्थ हाउस में शनि बैठा है उच्च का, रामकृष्ण परमहंस के चार्ट में जहाँ पे सात नंबर लिखा होगा वहाँ पे आप देखेंगे शनि बैठा होगा। तो गुरु की पांचवी दृष्टि शनि पे भी पड़ रही है। शनि क्या है, कर्मा, कर्म। तो आप सोचिए कि जिसके कर्म पे, जिसके आत्मा पे, जिसके मन पे, जिसके बुद्धि पे गुरु की दृष्टि पड़ जाएगी वो क्या होगा, आदमी धन्य हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ गुरु। इसलिए रामकृष्ण परमहंस सर्वश्रेष्ठ गुरुओं में शामिल है। तो ये मैंने देखिए, मैं अभी बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस मैंने कहा कि मैंने जो आज कहा उसका कितना मीनिंग है, व्यवहारिक किसी व्यक्तित्व से कितना वो कैसे वो ऐड करता है। दूसरा, मैं चूंकि आपने कहा कि दो व्यक्तियों के बारे में कम से कम जो है हम बताएं, क्योंकि टाइम नहीं है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा लंबा खींचे वीडियो को, लेकिन गुरु है तो ठीक है भाई, जब जिसका 80% भाग से, और तो इसलिए वीडियो का बड़ा होना भी लाजमी है। और मैं चाहूंगा कि आप लोग पूरे वीडियो को देखें भी और कमेंट करें, कमेंट भी करें, लाइक भी जरूर ठोके। तो अब मैं एक बात करूंगा ओशो की, रजनीश। अच्छा, ओशो सब लोग जानते होंगे ओशो के विषय में। तो ओशो का जो चार्ट है वो दो नंबर से शुरू होता है, वृषभ लग्न से। उनका गुरु तीसरे घर में है, चार नंबर की राशि में बैठे हुए हैं। चार नंबर कर्क राशि होती है, चंद्रमा की राशि। आप देखिए गुरु पहले ही उनके चंद्रमा के राशि में बैठ गए, उच्च के हो जाते हैं वहाँ पे, यानी कि चंद्रमा का संबंध गुरु से पहले ही हो गया जहाँ पे वो बैठे, यानी उनके मन में गुरु का तत्व तो पहले ही चला गया। उनके सातवें घर में सूर्य बैठा है जिसपे गुरु की दृष्टि है पांचवी दृष्टि, यानी मन और आत्मा दोनों के साथ गुरु का संबंध हो गया। मैंने क्या कहा, जब गुरु का काम ही है सूर्य और चंद्रमा के बीच एक तारतम्य को जोड़ना, और जिसके चार्ट में, आपके भी चार्ट, अगर आपके पास चार्ट है अपने चार्ट को खोल लीजिएगा, देखिएगा, देखिएगा कि आपका गुरु कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके भी गुरु की दृष्टि आपके सूर्य पे हो रही है या चंद्रमा पे हो रही है, तो आपके अंदर वो तत्व बढ़ता जाएगा। तो आपने देखा कि और देखिए, जिनके दृष्टियाँ आएगी या जो इस तरह के चार्ट होंगे उनके जीवन में गुरु हावी रहेंगे पूरे लाइफ, उनके तत्व गुरु से मिलेंगे, ज्ञान की बातें होंगी। और याद रखिए गुरु ज्ञान है, बुद्धि नहीं है। तो बुद्धि से परहेज करें, ज्ञान की तरफ बढ़ें। बुद्धि से परहेज का मतलब है आप छोड़ ना दें बुद्धि, जहाँ पे इस्तेमाल करना है वहाँ पे करें, बेवजह का तर्क और शक ना करें, तब आपका गुरु ऑटोमेटिक ठीक होने लगेगा जी। और ज्ञान संतुष्टि, समृद्धि, शांति, सुकून और मार्ग बताता है, विकल्प बताता है, बिल्कुल है ना। तो आज के लिए इतना ही हमारे दर्शकों, और ये कैसी लगी बातचीत ज़रूर टिप्पणी करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे इस चैनल पे बहुत कुछ आने वाले हैं, बहुत हम लोग गुणवर्धक चीज़ों को अलग अलग दृष्टिकोण से आपके सामने लाने वाले हैं। और लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा जिनको इंटरेस्ट है जानने में अज्ञात। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद रंजीत जी आपका और हमारे दर्शकों का। मिलते हैं फिर अगले विषय के साथ। धन्यवाद धन्यवाद।